हुआ कि नहीं? हाँ चल रहे। शुरू करें। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्ति दिव्यैस्तवे वेदहि सांगपदक्रम उपनिषदहि गायन्ति यम सामगाः ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः ॐ देवाय तस्मै नमः श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शांति शांति शांति। महर्षि व्यासदेव जी प्रणीत महाभारत अंतर्गत भीष्म पर्व में 23वां अध्याय से लेकर के 40वां अध्याय तक की ग्रंथ भाग को श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग भगवत गीता के नवम अध्याय पर हैं। भगवत गीता के सप्तम अध्याय से लेकर के द्वादश अध्याय तक तत्त्वमसि महावाक्य छांदोग्य उपनिषद अथवा सामवेदीय जो महावाक्य है तत्त्वमसि महावाक्य में जो तीन पद हैं तत् त्वम् असि, ऊपर से देखने में दोनों में एकत्व तो नहीं लगता, परंतु दोनों पद को जब शोधित कर लेते हैं, मतलब उपाधि को छोड़ करके जब शुद्ध चेतन में जाते हैं तो एक ही है। इस तत्पद को शोधन की प्रक्रिया को यहाँ पे सातवां अध्याय से लेकर के द्वादश अध्याय तक कहा गया है। इसके पहले प्रथम पहले से लेकर छठा अध्याय तक तम पद के शोधन के बारे में वर्णन किया। अभी हम लोग नवम अध्याय के प्रसंग लेकर के मधुसूदन चतुर्षति बताए थे। सप्तम और अष्टम अध्याय में सगुण ब्रह्म के बारे में वर्णन किया गया, ध्येय ब्रह्म के बारे में वर्णन किया गया है, और जिसके फल जो है कोई योगी अपनी इच्छा से ब्रह्मरंध्र से पार निकल करके जाना, अथवा कोई भगवत भक्ति से केवल मात्र भगवान भक्ति से ही जो मतलब भगवत प्राप्ति के माध्यम से फिर मुक्त हो जाना, ये फल कथन करने के बाद ध्यान के फल स्वरूप क्या हो जाएगा, क्रम मुक्ति होगा, सीधा मुक्ति नहीं है यहाँ पे। परंतु ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान से यहीं से मुक्ति होना संभव है। उस ज्ञेय ब्रह्म के कथन करने के लिए नवम अध्याय शुरू होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए बोले थे अष्टमे ध्येय ब्रह्म निरूपणे न तद ध्यान निष्ठस्य गति रुक्ता, नवमे तो ज्ञेय ब्रह्म निरूपणे न ज्ञान निष्ठस्य गति रुच्यते इति संक्षेप, इस संक्षेप में यही भेद है। तो फिर इस ज्ञान की स्तुति करने के लिए दूसरा श्लोक आया था। दूसरा श्लोक के ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, श्लोक के एक शत पढ़ेंगे। राज विद्या राज गुह्यम
पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। बोलते हैं ये समस्त विद्याओं की राजा है, इसलिए मतलब श्रेष्ठ विद्या है, इसी का नाम ब्रह्म विद्या, इसी का नाम आत्मविद्या, इसको राजविद्या भी बोलते हैं। और सबसे गोपनीय तत्व है संसार में, तो सबके सामने गोपनीय मतलब सबके सामने ये अभिव्यक्त तो नहीं होता। हाँ कई जगह में ब्रह्म के बारे में तो वर्णन वेदांत के बारे में कथन तो होता है, परंतु सबके सामने ये अभिव्यक्त तो नहीं होता, इसलिए ये सब राजक ही हम। और पवित्रम मतलब संसार में पवित्र नहीं, ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम ह्य विन्दते, चौथा अध्याय में बोल करके आया कि संसार में सबसे पवित्र तत्व है ये ज्ञान इदम उत्तम। और प्रत्यक्ष अवगमम, इस ज्ञान को जो है प्राप्त करने के लिए आपको ये अनुभव में आएगा, ये कोई बाहरी वस्तु तो नहीं है, प्रत्यक्ष आप इसको अनुभव कर सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब अनुभव गम्य वस्तु है। और ये जो है समस्त मतलब राइट्स एंड रिचुअल्स अथवा वैदिक जाग जज्ञादि कर्म उपासना सब कुछ छोड़ करके केवल आत्मचिंतन में लग जाए तो लोग तो स्वार्थी बोलेंगे ये कोई ठीक नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। परंतु बोलते हैं नहीं नहीं, ये धर्म से बाहर नहीं है, समस्त समस्त धर्मों को छोड़ना ही, ज्ञान पूर्वक विचार पूर्वक आलसी पूर्वक नहीं। इसलिए वहाँ पे बोलेंगे राजसिक त्याग तामसिक त्याग और सात्विक त्याग। विचार पूर्वक आत्मस्वरूप पर निर्णय करते हुए जब निश्चय होता है कि स्वरूप में कोई क्रिया होना संभव ही नहीं है, तब शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी हमारे साथ क्रिया का कोई संबंध नहीं है, इस निश्चय रहने के कारण इस निष्कर्म सिद्धि का फल से मुक्त हो जाता है, इसको निष्कर्म सिद्धि भी बोलते हैं। तो यहाँ पे धर्मात् अनपेतम धर्म्यम, ये धर्म से बाहर नहीं है। धर्म आचरण करते करते जब व्यक्ति को निश्चय होता है कि जिस निर्देश आनंद अथवा सुख को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो कोई क्रियाशब्द नहीं है, नस्ति अकृत कृतेना अथवा नहीं नहीं अध्रुवेन प्राप्तते ही ध्रुवम, तब तत् अनित्य वस्तु के तरह कोई नित्य अनित्य साधन के तरह कोई नित्य वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार निश्चय हो जाने के बाद जो धर्माचरण को छोड़ करके स्वरूप निष्ठ होकर के बैठते हैं ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए हमने बोला धर्म्यम सुसुखम करतु, और कोई भी बाहरी कर्म करना उपासना करना आपको कई चीज़ें इकट्ठा करना पड़ता है, उसके अनेक विधि विधान हैं, परंतु इस आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मचिंतन के लिए कोई भी वस्तु इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। तद विपरीत जो भी हमने इकट्ठा कर रखे सब कुछ मन उठ जाए, यही सबसे अच्छा साधन है। इसीलिए आपने बोला कि कर्तुम सुषकम, करना तो आसान है, और उसके बाद क्या बोले थे कि जो वस्तु आसानी से प्राप्त होता है उसका फल तो घटिया होता है, जो मेहनत करके बहुत चीज खर्चा करके प्राप्त पड़ता है उसका फल बढ़िया होता है। बोलते हैं इसका भी उल्टा है, इसका फल जो है अव्यय है। बाकी कितना भी कर्म शब्द कितना भी खर्चा करके पैसा खर्चा करके ध्यान जाग जज्ञादि करके फल प्राप्त करेंगे वो तो आपका क्या होगा, नाशवान होगा। परंतु ये जो है ज्ञान का फल जो अव्यय है, व्यय रहित है, कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार से इस विद्या के जो मतलब निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म विद्या की स्तुति करते हुए भगवान यहाँ पे श्लोक को कहे। हम लोग इसके ऊपर देखिए पुनर्तस्तौति, हाँ इसी का भाष्य होना था ना, इसी का होना था, इसको आप थोड़ा सा पढ़े थे इसको। अच्छा तो तथा सर्वेश, हाँ राजविद्या राजगुह्य, ये राजदंत ग्रुप में होने के कारण ये परनिपात हुआ है। पवित्रम इदम उत्तमम प्रायश्चित ही किंचित एव पापम निवर्तते निवृत्तम च तत् स्वकारण सूक्ष्म रूपेण तिष्ठति एव जत पुनः तत् पापम उपचिनति पुरुष। ये चीज बोला था ये यहाँ पे कि पवित्रम इदम उत्तमम, ये सबसे पवित्र क्यों है। प्रायश्चित करके यदि किसी कर पाप आत्मा का अथवा किसी अन्य कर्म का फल हम अपने आप भोग लिया, तो प्रायश्चित करने से केवल उतना मात्र कर्म का जो फल था उस कर्म फल को हमने स्वेच्छा से भोग लिया वो नाश होना व कम होना होता है। परंतु जिस निमित्त से हमने वो कर्म को किया था वो संस्कार नाश नहीं होता, वो अपने कर्म में रह जाता है ना, वो फिर दोबारा किसी निमित्त को प्राप्त करके उद्भूत हो सकता है। परंतु ज्ञान यदि होता है जब हमको निश्चय हो जाता है कि शरीर इंद्र मन बुद्धि के साथ मेरा कोई तीनों काल में संबंध ही नहीं है,
तो शरीर के किसी क्रिया के प्रति कोई संकल्प ही नहीं उठता मन में। और जब कर्म के संकल्प मन से नहीं होता तो उस कर्म का फल के साथ भी संबंध नहीं होता। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं पवित्रम इदम उत्तमम प्रायश्चित्तेर ही किंचित एकमेव पापम निवर्तते। कोई इसी प्रकार प्रायश्चित्त के द्वारा किसी एक पाप विशेष कर्म का ही पाप मिट जाता है। फिर निवृत्तम चतक स्व कारण और निवृत्त होने पर भी वो अपने कारण में सूक्ष्म रूप में वहाँ पे विद्यमान रहता है। मतलब जिस कारण से जिस संस्कार हमने इस प्रकार जो नहीं करना चाहिए था ऐसा कर्म हो गया था इस शरीर से, फिर भी उसका जो कारण था मतलब आपने प्रायश्चित्त के द्वारा उस एक किसी पर्टिकुलर कर्म का जो पाप भोगना था वो आपने भोग लिया, परंतु उस पाप करने के पीछे जो कारण था वो कारण आपका पूरा संस्कार नहीं गया उससे, वो बीज रूप में रह जाता है, किसी निमित्त को प्राप्त करके फिर वो उद्भूत हो सकता है। परंतु ज्ञान यदि हो जाता है तब तीनों काल में जब इस शरीर इंद्र मन बुद्धि के किसी व्यापार के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है और किसी मन से किसी प्रकार के संकल्प ही नहीं उठता, तब क्या होता है हमेशा के लिए पवित्र करने वाला होता है, कोई कर्म का संकल्प नहीं। दृष्टते यत पुनः तत्पापम उपचिनति पुरुष इदम तु, परंतु ये ज्ञान जो है इदम ज्ञानम तु अनेक जन्म सहस्र संचितानाम सर्वेशाम अपि पापानाम, है ना, अनेक जन्म के संचित जो सभी प्रकार की पापानाम स्थूल और सूक्ष्म अवस्थानम, चाहे वो स्थूल रूप में विद्यमान हो चाहे सूक्ष्म रूप में विद्यमान हो, स्थूल रूप में भोगने के लिए शरीर के साथ प्रारब्ध में आया हुआ है और सूक्ष्म रूप में संचित कर्म विद्यमान है, किसी रूप में भी हो स्थूल और सूक्ष्म अवस्थानम तत्कारणस्य च अज्ञानस्य, उसका कारण क्या था जो अज्ञानस अज्ञानस्य सद्य एव उच्छेदक, हम ज्ञान क्या करते हैं किसी भी वस्तु के ज्ञान तद वस्तु संबंधित अज्ञान को मिटा करके ही उत्पन्न होता है। किसी भी वस्तु संबंधित ज्ञान तद वस्तु संबंधित अज्ञान को मिटा करके उत्पन्न होता है। अन्य सभी किसी वस्तु का ज्ञान मैंने पहले किया था अब वो भूल सकता हूँ, फिर दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता होती है, परंतु ये जो आत्म संबंधित जो अज्ञान है ये अनादि है और ये बौद्धिक नहीं है। अब फल तो क्या हो गया, ये ज्ञान दोबारा नाश होने का दोबारा उत्पन्न होने का संभावना नहीं है, क्यों, अनादि माना सभी वादी ने। आत्म संबंधित अज्ञान सादी है कि अनादि है, अनादि है, जब अनादि है तो दोबारा उत्पन्न कहाँ से होगा, अनादि तब तो यदि दोबारा उत्पन्न होता आपके सामने तो सादी हो जाएगा, आपको दिखाई देगा सादी हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, फिर नाश भी होगा, तो ये ज्ञान तो ऐसा है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अनादि मानने के कारण एक बार अज्ञान अन्य सभी विषय वस्तु संबंधित अज्ञान और बुद्धि निमित्त होने के कारण वो उत्पत्ति होता है, वह नाश भी होती है, परंतु आत्मज्ञान क्योंकि बुद्धि जनित नहीं है इसीलिए कोई बुद्धि का क्रिया भी नहीं है, उसका स्वरूप पहले से अभी भी चाहे आपका ज्ञान हो चाहे ना हो अभी भी आत्मा की प्रकाशता में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार मान लीजिए कि बचपन से हम लोग ये जान करके आया है, क्या जान करके आया है, देखते हुए आए आकाश नीला है कटाहकार है, बचपन से ही पर सभी कहीं बोलते देखो आकाश नीला है आकाश कटाहकार है, हर दूर में जाकर मिल जाता है जमीन, वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। शास्त्र पढ़ने के बाद हमें पता लग गया, क्या पता लगा, अरे आकाश ना नीला है न कटाहकार है। तो ये जो हमारी आकाश संबंधित अज्ञान और आकाश संबंधित ज्ञान ये कहाँ पे हुई, भिन्नता लाए हमारे बुद्धि में, आकाश को क्या फर्क पड़ा, बस ठीक ऐसे ही आत्मज्ञान में आपने आत्मा को कर्ता भोक्ता मान रहे थे, कर्ता भोक्ता इस प्रकार मान रहे परिचिन्न मान रहे थे, और बाद में शास्त्र पढ़ने के बाद आपको क्या पता लगा मैं असंग अकर्ता अभोक्ता, आत्मा को क्या फर्क पड़ा, आत्मा पहले भी मुक्त था अभी भी मुक्त है, एक बार बौद्धिक थोड़ा सा परिवर्तन मात्र है, बौद्धिक परिवर्तन मात्र है। इसीलिए आप ये बोलते हैं एकदम तो अनेक जन्म सहस्त्र संचित नाम, ये ज्ञान क्या करता है अनेक जन्म संचित सहस्त्र में गर्वेशम अपि पापानाम स्थूल सूक्ष्म अवस्था नाम स्थूल अथवा सूक्ष्म तत्कारणस्य च अज्ञानस्य, इस प्रकार पाप के पीछे जो कारण था स्वरूप के अज्ञान सद्य एव उच्छेदक, उसका तुरंत नाश करके उत्पन्न होता है। अतः सर्वोत्तम पावनम इदम, इसलिए पवित्र करने वाले सारे वस्तु में ये सबसे पवित्रतम वस्तु है। भगवान पहले भी बोल कर नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ह विद्यते, चतुर्थ अध्याय में बोला ज्ञान की तरह पवित्र वस्तु संसार में कोई नहीं है, क्यों, सर्वथम असंश्लिष्ट है,
इसको किसी के साथ इसका कोई मिलावट नहीं है। इसलिए तो हम लोग जो बोलते हैं घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, तो ये ज्ञान तो मैं ज्ञान को तो मिला हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा? ये बुद्धि, ये बुद्धि इंद्रियों से ज्ञान, जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान, परंतु मैंने घट को जाना तो घट संबंध जो ज्ञान हुआ उसका प्रकाशक जो साक्षी, ये घट है, ये घट है, ये मैंने समझा, ये घट घट ज्ञान में जो ज्ञातता ला देता है वो साक्षी है, वो कुछ नहीं करता, वो हमेशा निर्विकार रहता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बौद्धिक विकार में मैं के साथ अहंकार को मिला करके इस वस्तु संबंधित ज्ञान नहीं था, अभी मुझे घट का ज्ञान हो गया, मैं कुछ भी हो गया, मैं पहले जो है केमिस्ट्री नहीं जानता था, मैं केमिस्ट्री जान लिया, इस प्रकार से बौद्धिक संतुष्टि होती है। परंतु केमिस्ट्री जान लिया ये जो बोध जिसके कारण से हमको पर वो साक्षी कुछ ना जानता है ना कुछ नहीं जानता है, और जानना नहीं जानना दोनों का ही प्रकाशक है, इसलिए ये सबसे उत्तम पवित्र करने वाले ज्ञान है। न च अतीन्द्रिय धर्म इव अत्र कश्चित संदेह, यानी इस ज्ञान के बारे में क्या होता है कि क्या मालूम, जैसे स्वर्ग, स्वर्ग के बारे में हमें संदेह होता है, कोई आकर के देख करके आज तक कोई व्यक्ति हमको नहीं बताया, कोई व्यक्ति यूएस से घूम के आता है, कनाडा घूम के आता है तो हमको बताते हैं कि हम वहाँ पे घूम कर गए, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो स्वर्ग से आकर के बोलते हैं कि मैं वहाँ पे स्वर्ग लोक में ला के इंद्रों के साथ बैठ करके ऐसे ऐसा बात किया ब्रह्मा जी, ब्रह्म कोई नहीं बोलता है। इस विषय में तो सदा शंका हो सकता है, परंतु जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष दिखाई पड़ता है, बोलते हैं हाँ ऐसा करो निश्चय तुम्हें भी अनुभव होगा। इस विषय में अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है, इसलिए बोलते हैं न च अतीन्द्रिय धर्म इव, अतीन्द्रिय जो धर्म है उस विषय वहाँ पे जैसा शंका होती है अत्र कश्चित संदेह, इस विषय में कोई संदेह नहीं हो सकता, क्यों? स्वरूपतश्च फलतश्च प्रत्यक्ष, स्वरूपत फलतश्च प्रत्यक्षत्वात्, ज्ञान का स्वरूप भी आपका अनुभव में आता है, ज्ञान का फल भी आपका अनुभव में आता है, आता है कि नहीं आता है? देखिए ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्वरूप हो गया एकत्व, एक मतलब एक निष्ठा, मतलब असंगता, एक पूर्णता, ज्ञान का स्वरूप क्या है, आपकी पूर्णता की अनुभूति। फल क्या है, फलतस्य, फल क्या है, निर्दिष्ट आनंद है ना, अपने में कोई भी कोई वस्तु की हैंकरिंग नहीं रहता, कुछ सारा ये चाहिए वो क्या है, ये सारा चीज बंद हो जाता है। ये जो चीज ये बाहरी कोई व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, आप अपने आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं अपने, इसलिए प्रत्यक्ष अवगमम, ज्ञान का स्वरूप और ज्ञान का फल जिसको होगा वो स्वयं अनुभव कर सकता है, स्वयं अनुभव कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को भी समझ में आता है, अंदर से समझ में नहीं आने पर भी दूसरे से भिन्नता तो जरूर दिखाई पड़ता है। स्वरूपत फलतस्य प्रत्यक्षता इति आह, इसी को मन में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं प्रत्यक्ष अवगमम। यहाँ पे देखिए मैं कल बताया था कि जो प्रत्यय को लाते हैं वो प्रत्यय दो प्रकार से होता है, जैसे ज्ञान शब्द है, ज्ञान धातु से ल्यूट प्रत्यय करते हैं तो बनता है ज्ञान, वो ल्यूट प्रत्यय अपने करण अर्थ में किया अथवा कर्म अर्थ में किया वो आपकी विवक्षा है, बोलने वाले की इच्छा है। यदि हम बोलते हैं ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, इसके द्वारा जाना जाता है, जिसके द्वारा वो ज्ञान है, तो उस ज्ञान का अर्थ होगा बुद्धि। अरे ज्ञायते इति ज्ञानम मतलब जो जिसको जाना जाता है, जिसके द्वारा जिसको जाना, जिसको प्राप्त करना चाहता है वो ज्ञान, वो कर्म अर्थ में उत्पत्ति है ज्ञान। जिस पद्यते इति पाद, जिसके द्वारा चला जाता है, पद्यते अनेन इति पाद, जिसके द्वारा चल के जाते उसको पैर बोलते हैं, और पद्यते इति पाद जिसको प्राप्त किया जाता है वो पाद है। स्वयं आत्मा चतुष्पाद मांडुक कारिका में है, तो वहाँ पे तीन पाद को जिसके ऊपर चल के हम जाते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और चतुर्थ पाद को लोग प्राप्त करना चाहते हैं, पद्यते इति पाद। इस प्रकार से आप बोलने वाले की विवक्षा की अभिप्राय से वो किस अर्थ में अपने प्रत्यय किया वो दिखाते हैं। यहाँ पे मधुसूदन बोलने प्रत्यक्ष अवगमम, अवगम मतलब होता है बोध, जिस समय अवगम्यते अनेन इति अवगम मतलब मानम प्रमाणम, अवगम्यते अनेन इसके द्वारा समझ में आता है, जाना जाता है, प्रमाण के द्वारा मानव, इसलिए हो गया पहला अर्थ। और अवगम्यते पाप्यते मतलब जिसको प्राप्त किया जाता है, अवगम्य मतलब बोध होता है, जिसका बोध होता है, एक हो गया जिसके द्वारा बोध होता है हो गया प्रमाण, और जिसका बोध होता है, जिसके द्वारा बोध होता है हो गया प्रमाण, और जिसका बोध होता है वो स्वयं आत्मा, इसलिए आप बोलते हैं अवगम्यते पाप्यते अवगम मतलब इसका फल,
ठीक है ना। तो एक जगह पे करणार्थ में आपका अवगम अवगम्यते इति अवगम अवगम गम धातु से अच प्रत्यय होकर के होते अवगम प्रत्यक्ष अब उपसर्ग पूर्वक बोध अर्थ में आता है ये। तो इस किस अर्थ में आपने जो है यहाँ पे अच प्रत्यय किया तो उसको दिखाने के लिए बोलते हैं कि एक बार करण अर्थ में एक बार कर्म अर्थ में इति फलम एक जगह पे प्रमाण हो जाएगा एक प्रमाण के फल इंद्रिय हो गया प्रमाण है ना और इसका फल विषय की ज्ञान ठीक है ना। तो अवगम्यते अनेन इति ज्ञान मत प्रमाणम और अवगम्यते है अब जिसको समझा जाता है जिस प्रकार ये पेन है अवगम्यते अनेन इति इसके द्वारा इस पेन को हम जानते हैं तो ये इसके हो गया प्रमाण और ये हो गया प्रमेय वस्तु का ज्ञान जब उत्पन्न होता है अवगम्यते इति अवगम मतलब इस वस्तु का ज्ञान हमें हुआ। इसी प्रकार जब स्वयं ज्ञान के लिए बोलेंगे अवगम्यते अनेन जिसके द्वारा हम जानते हो गए ज्ञान हो गया प्रमाण के रूप में और अवगमी मतलब जिस वस्तु का हमने अनुभव किया है ना इसलिए बोलते हैं यहाँ पे अवगम्यते प्राप्यते इति अवगम फलम। आप क्या बोला प्रत्यक्ष अवगम मतलब अपने आप आपको समझ में आएगा प्रत्यक्ष अवगम मानम अस्मिन आप सीधा सीधा आप स्वयं ही इसके लिए प्रमाण है शास्त्र वाक्य सही है कि नहीं है शास्त्र प्रमाण को लेकर तो मतलब आस्तिक दर्शनों में जो आस्तिक दार्शनिक है वहाँ पे विवाद नहीं है परंतु आपका अनुभव कैसा हो रहा है इसको लेकर के विवाद हो सकता है। तो शास्त्र ने जो बोला तद अनुकूल यदि आपका अनुभव हुआ तो आपका अनुभव सही है। शास्त्र ने जब बोलता है एकमेव अद्वितीयम ब्रह्मैव इदं सर्वं पुरुष एव इदं विश्वमात्मैव इदं सर्वं इस प्रकार के शास्त्र जब निश्चय करते हैं यदि आपका अनुभव भी ऐसा आता है तो शास्त्र वाक्य सच है तो आप स्वयं जो है इसका अनुभव करने वाले हैं। इसलिए आप बोलते हैं प्रत्यक्ष अवगम मानम अस्मिन् आपका प्रत्यक्ष आपका अनुभव ही इसके लिए प्रमाण है इति स्वरूपत साक्षी प्रत्यक्षम इस प्रकार से स्वरूपत ज्ञान जो है अपने आप अभिव्यक्त है एक साक्षी इसको समझते हैं। प्रत्यक्ष अवगम अस्ति फलत इसका फल भी कौन जानते मन सुख अथवा दुख अथवा आनंद है कि नहीं है ये कौन जानता है आप स्वयं जानते हैं ना। कोई भी अंतकरण की वृत्ति का प्रकाशक साक्षी है ये साक्षी भाष्य है। प्रमाता जो भी कुछ जानते हैं प्रमाता जो भी कुछ अनुभव करते हैं प्रमाता भिन्न होने पर भी उपाधि के साथ प्रमाता अलग देखने पर भी उस प्रमाता के द्वारा जाने हुए वस्तु का प्रकाशक साक्षी एक ही है। इसीलिए सुख दुख को हमारा सुख दुख के अंतकरण की वृत्ति को भूख प्यास के अंतकरण की वृत्ति को जो है वो साक्षी प्रकाशित करते हैं। कोई भी चीज़ को हमने समझा अथवा नहीं समझा ये साक्षी भाष्य है ये इसे बोलते हैं साक्षी प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष अवगम अस्ति। इस प्रकार आपको जो भी कुछ अनुभव होगा ये हमको समझ में आया कि नहीं आया वो साक्षी उसका प्रकाश है। इसलिए आप स्वयं उसके लिए प्रमाण है और उसका समझ भी आपको आया कि नहीं उसके लिए भी आप स्वयं अंदर से जानते हैं। इसलिए बोलते हैं मया इदम विदितम अत नष्टम इदानीम इति अत्र मम अज्ञानम इति सर्वलौकिक साक्षी अनुभव एव लोक अनुभव सिद्धत्यपि तत् ज्ञानम मया इदम विदितम मेरे द्वारा ये जाना गया है। अत नष्टम इदानीम अब क्या हो गया उसके बाद ये ज्ञान ये नष्ट हो गया अपने जाना था अब भूल गया मैं कितना श्लोक याद किया अभी तो याद नहीं रहता सब उपनिषद भूल गया। बोलते हैं मैं इदम विदितम अत नष्टम इदम इदानीम अत्र मम अज्ञानम इति इस विषय में मेरा अज्ञान है इति ही ये सभी लोग बोलते हैं। अब बताइए ये आपकी किसी विषय संबंधित अज्ञान ये आपको समझ में आता है कि नहीं आता है कैसे आता है। ज्ञान को लेकर के आप बोलेंगे मैं बुद्धि से जान लिया परंतु तो अज्ञान कैसे जान लोगे ये साक्षी भाष्य है ये साक्षी भाष्य है। इसलिए आप बोलते हैं कि अंदर कोई एक चेतन तत्व ऐसा है जो हमारी अंदर की वृत्तियों को समझा कि नहीं समझा उसको अभिव्यक्त करते हैं। मया इदम विदितम अत नष्टम इदानीम अत्र मम ज्ञानम मम अज्ञान इसलिए मेरे को इस विषय में अज्ञान है इति सर्वलौकिक समस्त लोक व्यवहार में साक्षी अनुभव एवं साक्षी अपने अंदर ही समझ नहीं पाता उस वस्तु की बुद्धि की बात है एवं लोक अनुभव सिद्धत्य अपि ये लोक अनुभव के द्वारा सिद्ध होने पर भी वो जो ज्ञान है ना जिस ज्ञान के बारे में अर्जुन हम तुम्हें कहने जा रहे हैं वो ज्ञान धर्म्यम परंतु यही जो है सबसे अच्छा धर्म आचरण है उसका अर्थ करते हैं धर्मात अनपेतम ये धर्म से अपेत अपेत मतलब युक्त है ना युक्त अनपेत ये अयुक्त नहीं है जुड़ा हुआ है इसलिए बताया था ये धर्म ही है धर्मात अनपेतम है ना अपगत मतलब क्या है
अपगत चला गया, अपगत चला गया और अनपगत मतलब नहीं गया, है ना। यहाँ पे भी है इन गतो धातु का निष्ठ रूप है इत, गति अर्थक धातु अगातिकन के सेकंड का इसका निष्ठ रूप होता है इत। और अपेत गति अर्थक अपगत मतलब अपेत उससे अलग हो गया, अनपेत मतलब अलग नहीं हुआ, धर्म से अलग नहीं हुआ, धर्मात अनपेतम अनेक जन्म संचित निष्काम धर्म फलम। क्योंकि ये इस प्रकार की आत्मज्ञान कैसे होता है, कब होता है, अनेक जन्म की संचित निष्काम कर्म के सत्फल से ये आत्मनिष्ठा अथवा आत्मज्ञान प्राप्त है। अनेक जन्म संचित निष्काम धर्म फलम, है ना, अनेक अनेक धर्म जन्म के संचित निष्काम भाव से धर्म आचरण करने का फलस्वरूप, निष्काम भाव से धर्म आचरण करने का फलस्वरूप ये आत्मनिष्ठा व आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए ये आत्मज्ञान धर्मात अनपेतम, धर्म से बाहर नहीं है, ये धर्म का अंतर्भुक्त है। तब ये तो बहुत कठिन काम होगा, तरही दुष्संपत्तम शायद, तब तो ये तो बहुत कठिन काम होगा, अनेक जन्म की जो है धर्म के फलस्वरूप होते तो बहुत कठिन काम होगा। तो बोलते नहीं, तरही दुष्संपत्तम शायद न इतिहा, नहीं नहीं इसका संपादन करना कठिन नहीं है। नहीं भी बोलते हैं शास्त्र, अच्छा बताओ एक व्यक्ति नया आया आश्रम में, उसको बोलो आपका ये काम है कि गंगा जी से रोज 5 बाल्टी पानी लाना, और एक व्यक्ति को बोला आप रोज जो है कम से कम 1 घंटा चुपचाप मंदिर में बैठना, कौन सा काम कठिन होगा बताओ। गंगा जी से जल लाना कठिन होगा, क्यों, वो बोलेगा कि हैं ये बुढ़ा हमको काम कराते बारिश में बोलते गंगा जी में जाओ, ये तो गड़बड़ हो गया मामला, इसको तो कुछ नहीं बोलते, परंतु इसको पूछ के देखो, यदि एक दिन भी नहीं बैठेगा, एक दिन भी नहीं बैठ, दूसरा दिन बोलेगा महाराज मैं गंगा जी के पानी लाना अच्छा है, कम से कम कुछ बाहर तो देख लूंगा, गंगा बैठने से क्या होगा। तो ऐसा ही होता है, लगता है कि ये जो है कि ये तो कठिन है, परंतु भगवान बोल रहे हैं ये कठिन नहीं है, ये सबसे सरल है। एक क्योंकि बाहरी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रतिबंधक हमारे अंदर ही है, वो जन्मांतर के संस्कार के कारण प्रतिबंधक मिट गया, अभी ये आसान है, सबसे आसान है। एक व्यक्ति को जरा सोचिए, एक व्यक्ति को अपना रोजी रोटी चलाने के लिए दिन भर कितना मेहनत करते हैं, हम साधु क्या मेहनत करते हैं, हमारी खाना पीना अन्न वस्त्र वासस्थान के लिए हम क्या मेहनत करते हैं, कौन लाता है। केवल भगवत चिंता के फल स्वरूप आप एक जगह पे बैठ के भगवत चिंतन करते हैं तो अपने आप भगवान की जो प्रतिज्ञा जो क्षमम वाम किसी तरह से निर्वाह हो रहा है, हैं, निर्वाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो परंतु ये सरल है, इस मार्ग में जीवन यापन करना आसान है, सरल है, परंतु सामान्य व्यक्ति को कठिन लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बताइए सभी व्यक्ति आनंद और सुख चाहते हैं, त्यागी महात्मा लोग है कि त्यागी गृहस्थ है, क्या बोलेंगे आप। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तो सुख ही चाह रहा है, और महात्मा क्या है कि परम सुख को इच्छा से गृहस्थ सुख को त्यागे, और गृहस्थ लोग परम सुख के छोड़ करके छोटा सुख त्यागी कौन हुआ बताओ। ऐसे लगेगा आपको आप लोग तो अधिक त्यागी है हमसे, क्यों, ये आप जानते हैं कि भगवान के मार्ग में सुख है आनंद है, इसको छोड़ के उसमें लगे रहे तो भगवान तो यहाँ पे बोल रहे अपने सुसुखम कर तुम अव्ययम, यह सुसुखम कर तुम, इसको करना आसान है। वास्तविक क्या है, देखिए हम लोग बोलते हैं मन जो है सबसे समस्या है, मन इधर उधर जाता है, परंतु तो भगवान ने मन को एक बहुत अच्छा गुण दे करके भेजा, क्या गुण है वो, कि जिसके प्रति प्रीति है वह अपना आप जाता है, वह अपने आप जाता है। अब यदि किसी निमित्त से किसी प्रकार से आप अपने मन को समझा सकते हैं कि भगवान ही एकमात्र संसार में वास्तविक प्रेम का आस्पद है, प्रेमास्पद है वो, ये यदि मन को आप विचारपूर्वक निर्णय करके समझा सकते हैं तो मन स्वाभाविक वहाँ पे चिपक जाएगा, मन स्वाभाविक चिपक जाएगा वहाँ पे।
तो यही चीज है कि ये सुषुखम कष्ट में श्री भगवान बोल रहे कि मैंने तो ये भावना को दे के भेजा आपको, सहजज्ञा प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति, इस त्याग की भावना को दे करके हमने तुमको सृष्टि किया। जैसी बॉडी आइडेंटिफिकेशन आती है वो उस त्याग को भूल जाते हो, जो बाहरी वस्तु को त्याग की भावना को लेकर के हमने बनाया था उसको भूल करके जिसको प्राप्ति करने के लिए मैं इस भावना को दिया था उसी को ही त्याग कर देते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए उसको त्याग कर देते हैं। श्री सुषुखम कर तुम कि गुरु उप, देखिए कैसे सुख सुखम होगा, गुरु उपदर्शित विचार सहकृतेन वेदांत वाक्यन सुखे न कर तुम सक्यम, है ना, ये सबसे चीज ध्यान रखना है। ये क्या होगा, एक आप पहले विचार करिए क्या करें, परंतु एक बार निश्चय करिए कि यहाँ पे मेरे को इस मार्ग पे चलना है, इसलिए तब गुरु निश्चय करके गुरु जी ने जैसा मार्ग को दिखाया उसे मार्ग में लगे रहिए। गुरु उपदर्शित विचार सहकृतेना, सेकंड क्या चाहिए, एक विचार चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ, इस काम को क्यों कर रहा हूँ और इस काम को करके मेरे को क्या लाभ होगा, उस लाभ की दिशा में मैं सहकृतेना हूँ। वो ईच एंड एवरी डे यू हैव टू एनालाइज whether I am progressing towards the goal or not। विचार सहकृतेन, फिर क्या करना पड़ेगा, वेदांत वाक्यन, वेदांत क्या विचार करेंगे, सामान्य वाक्य नहीं, वेदांत वाक्य के विचार, है ना, इस विचार की तरह सुखे न कर तुम शक्कम, आसानी से अर्जुन इस लक्ष्य को तुम प्राप्त कर सकते हो, है ना, है ना। न देश कालादि व्यवधानम अपेक्षते, देशांतर में कालांतर में जा करके फल प्राप्त करके ज्ञान का फल, ऐसा नहीं है। शिवानंद स्वामी बोलते नाउ एंड हियर, उनका फेमस वर्ड है नाउ एंड हियर, अभी और यहाँ आपको वो अनुभव हो जाएगा। ये देश काल आदि के व्यवधान की अपेक्षा नहीं रखता, आपने जाग किया आज अभी और उसके फल आपको किस क्रम में आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए देश और कालांतर चाहिए। व्यवधान होता तुरंत नहीं होता, ब्रह्मलोक भी ऐसा होता, यहाँ पे ऐसे नहीं है, तुरंत देश काल आदि व्यवधान, देश काल निमित्त तो कई व्यवधान हो जाते हैं, यहाँ पे वो नहीं है। न देश काल आदि व्यवधान अपेक्षित, तो ज्ञान क्या है, प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वात् च ज्ञानस्य, ये चीज ध्यान रखना है। ज्ञान क्या होता है, कर्म पुरुष तंत्र है, ज्ञान वस्तु तंत्र है, वेरी कर्म पुरुष तंत्र है, किसी कर्म को आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, भिन्न प्रकार से कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, परंतु ज्ञान क्या होता है, वस्तु तंत्र है, ये पुरुष तंत्र नहीं है। तो ज्ञान उत्पन्न होगा तो एक ही प्रकार से उत्पन्न होगा, और ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, यथार्थ ज्ञान प्रमाण से ही उत्पन्न होगा, अप्रमाण से प्रामाणिक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। आपका आंख में कुछ कमी है, आप बोलेंगे वो रंग वहाँ पे सफ़ेद है, दूसरा लोग नहीं मानेंगे क्योंकि आपका आंख से नहीं दिखाई पा रहा, वहाँ पे जो रंग है वही यथार्थ रंग। इसलिए दो चीज़ प्रमाण के द्वारा, इसलिए शास्त्र प्रमाण के आधार पर वस्तुतंत्र होकर के जो है ज्ञान होता है वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वात् ज्ञानस्य, ज्ञान हमेशा इसे ध्यान रखना, ज्ञान जो है वस्तुतंत्र होता है, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं होता, और ज्ञान प्रमाण के अधीन होता है, अप्रमाण के अधीन नहीं होता। अप्रमाण के अधीन जानेंगे तो अप्रामाणिक ज्ञान होगा, अप्रामाणिक ज्ञान होगा, प्रमाण के अधीन जानेंगे शास्त्र प्रमाण सबसे बलवान प्रमाण है। श्रुति जैसा निरूपण करके देखा, भगवान श्री कृष्ण जैसा बोल रहे हैं, इस रूप से हमको जानेंगे वो ज्ञान हमारा यथार्थ ज्ञान होता है, आत्मज्ञान। इसलिए बोलते हैं कि प्रमाण वस्तु परतंत्र ज्ञानस्य एवं, अब प्रश्न होता है तो इतना सरल लभ्य वस्तु है तब इसका फल घटिया होगा, जो आसानी से जिस फल को प्राप्त होता है वो फल घटिया होता है, जो मेहनत करके प्राप्त होगा, सभी व्यक्ति बोलते हैं ऐसा मेरे कुछ काम का नहीं है क्योंकि तो आसानी से मिल गया, लोग भी ऐसा सोचते हैं, तो बोलते हैं एवं एवं अनायास साध्यते, कम आयास के द्वारा साध्य होने पर स्वल्प फलत्ता, तो उसका फल भी कम होगा, अनायास साध्यत्य स्वल्प स्वल्प फलत्तम से वो तो अल्प फल होगा। इसीलिए अति आयास साधनाम एवं कर्म नाम, अनेक प्रयास के द्वारा जो कर्म का फल प्राप्त किया महाफलत्व दर्शना, उसका फल तो महान दिखाई देता है, कम मेहनत करके जो फल प्राप्त करते हैं वो अच्छा फल नहीं होता, वो भूल जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा परीक्षा पास करने के लिए कुछ दिन तो खूब पढ़ा, पढ़ने के पास तो हो गया, परंतु वो जो टेम्पररी ब्रेन में गया है ना वो अधिक दिन नहीं रहता है, परंतु यदि बार 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 पढ़ के उसको याद करके मेन में परमानेंटली बैठ सकते हैं, ब्रेन में परमानेंट रिडक्शन हो जाता है तो बैठ जाता है।
इसीलिए ये फल जो है महान होता है। एवं अनायास साध्यते स्वल्प फलत्वम सैत अत्यायास साधनम एव कर्मणम महाफलत्व दर्शनात्, क्योंकि अनेक आयास साध्य जो कर्मों का फल होता है वो तो महान फल होता है। इस प्रकार शंका होने पर भगवान बोलते हैं न इत्याह, परंतु ये ऐसा है, ये कोई साध्य वस्तु ही नहीं है। यदि ये साध्य वस्तु होता तब तो इसका फल में कमी पाता, ये तो सिद्ध वस्तु है, इसलिए पहले बोल कर कहा ये पुरुष तंत्र नहीं है। साध्य वस्तु पुरुष तंत्र होता है, सिद्ध वस्तु एक वस्तु तंत्र है ये, इसलिए होता है न इत्याह। अव्ययम एवं अनायास साध्यस्य अपि, जो अत्यंत कम आयास के द्वारा साध्य होने पर भी अस्य फलत व्यय नास्ति, इसका फल का कोई नाश नहीं होता। फल की दृष्टि से इसका व्यय कभी नहीं है, एक बार इस ज्ञान हो गया तो इसका कभी भी नाश नहीं होता और मुक्ति अवश्य। इसलिए फलत व्यय नास्ति, कितना भी पैसा खर्चा करके आप अश्वमेध आदि जाग राजा करते हैं उसके फल स्वरूप मान लीजिए कुछ तेल के इंद्रपद में बैठ भी जाएंगे परंतु वहाँ से वापस आना पड़ेगा। उस इंद्र पद के लिए जितना जिस प्रकार कितना भी पैसा खर्चा करके नेता लोग एक पद को प्राप्त कर लेते हैं, 5 साल बाद तो उसको उस परंतु गड़बड़ तो ही है, उनको तो जिंदगी भर पेंशन मिल जाते हैं, तो वो भी नहीं मिलता उनको तो इसको उसका तो जितनी पर पेंशन मिलती यहाँ तो वो भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे एवं अनायास साध्यस्य अपि अस्य फलत व्यय नास्ति, इस साध्य का इस फल का व्यय नहीं होता। इति अव्ययम अक्षय फल, मतलब इसका फल कभी क्षय नहीं होता। इति अर्थ कर्मणाम तु अति महतामापि, मतलब परंतु कर्म का ये तू मतलब विलक्षणता दिखाने के लिए कर्म अथवा उपासना को 1 कोटि में लेना, इसको 1 कोटि में रख करके कर्मनम तू अति महतामापि, अत्यंत महान होने पर भी अत्यंत महान कर्म राजस्व में जग सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया शास्त्र में, इतना होने पर भी क्षय फलतम एव, उसका फल क्षयशाली है, क्षयशील होता है। एव कैसे पता लगा, श्रुति बोलती हैं यो वै एतदक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति जजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि अन्तवत् एव अस्य तद् भवति। ये बृहदारण्यक उपनिषद है, दिया है नंबर 381 10, कोई बात नहीं 3810 हाँ वार नहीं दिया है, हमको लगता है तृतीय यहाँ पे ये गार्गी ब्राह्मण तृतीय देखना वहाँ पे कि हो सकता है एक मंत्र 2 बार भी आ सकता है, जो होता है परंतु यहाँ पे तो एक तो एक ही बार आया है, मैं तो देखा हूँ अब हाँ चार आठ आप देखिए चतुर्थ अध्याय में तो 8 ब्राह्मण है ही नहीं, गड़बड़ दिया है। बृहदारण्यक उपनिषद में केवल मात्र तृतीय अध्याय में 9 ब्राह्मण हैं, बाकी सभी अध्याय में प्रथम अध्याय में 6 ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय में 6 ब्राह्मण, तृतीय अध्याय में 9 ब्राह्मण, चतुर्थ अध्याय में भी 6 ब्राह्मण, पंचम अध्याय में मतलब 17 ब्राह्मण है, छोटा 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 टुकड़ा टुकड़ा ना, और अष्टम अध्याय षष्ठ अध्याय में 8 ब्राह्मण है, पुत्र यह पुत्र उत्पन्न श्रीमंत विद्या अर्थ पुत्र विद्या मंत्र विद्या ये सब है। तो यदि वहाँ पे 4-8 लिखा हुआ तो 100% गलत है, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में 8 ब्राह्मण है ही नहीं वहाँ पे। हाँ तृतीय अध्याय में 8 ब्राह्मण गार्गी ब्राह्मण है, स्पष्ट दिखाई पर शब्द भी वहाँ पे आ रहे हैं ना, ए तद भाई गार्गी ने जो पूछा जो भाई ए तद अक्षरम गार्गी अभिदिता अस्मिन लोके ज्योति, हे गार्गी जो व्यक्ति इस परम तत्व को नहीं जान करके इस लोक में जाग करते हैं जप करते हैं तप करते हैं अनेक वर्ष सहस्र प्रकरण परंतु ये सब का फल अंतमानी होते हैं आसमान होता है। यो वही ए तद अक्षरम गार्गी अभिदिता अस्मिन लोक इस लोक में ज्योति जजते तपस्तप थे, छोटा जाग बड़ा जाग अथवा बहुत अच्छा तप करते बहुनी वर्ष सहस्रानी अनेक बहुत साल बिता करके तपस्या करते हैं अंतवत एव अश्वत भवते, इसका ये फल अंतमान होता है। जब कृतकम तद अनितम, ये नए है कितना भी आपका उसके पीछे मेहनत क्यों ना, इति स्तुति इस प्रकार स्तुति होने के कारण तस्मात सर्व उत्कृष्टत्वात, इसलिए ये ज्ञान जो है सबसे अच्छा होने के उत्कृष्ट होने के कारण
श्रद्धेयाम एव आत्मज्ञानम, इस आत्मज्ञान में श्रद्धा रखना चाहिए। तो पहले भगवान बोल कर गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परोषम यतेन्द्रिय, है ना, इसलिए इसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। अच्छा भाई, तो दो नंबर हो गया, ये अन्वय दिखाया ज्ञान की स्तुति के लिए, और इसका व्यतिरिक दिखाते हैं। यदि आप इस ज्ञान के प्रति ज्ञाननिष्ठ नहीं होंगे तो क्या आपको दुर्गति होगा, उसको दिखाते हैं। यदि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या लाभ होगा, वो दिखाया। अब इस ज्ञान को, मतलब जिस ज्ञान के बारे में भगवान कहने जा रहे हैं, इस ज्ञान को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक क्या दुर्गति है, उसकी कथन करने के लिए अगला श्लोक आ रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मधुसूदन सरस्वती, बोल रहे हैं ये बुद्ध हैं, एवं अस्य सुकरत्य सर्व उत्कृष्टत्य च सर्वे अपि कुत्र न प्रवर्तन्ते। यदि ये इतना आसान है और करना भी, मतलब ये सबसे, इसका फल भी सबसे अच्छा है, आपने क्या कहा, करना आसान और फल भी अच्छा, तो इस प्रकार की वस्तु में सभी व्यक्ति क्यों नहीं लगता, सभी व्यक्ति क्यों नहीं लग जाता। यदि ये करना आसान है, फल सबसे अच्छा है, तो सभी को तो इसमें लगना चाहिए। तो बोलते एवं अस्य सुकरत्य, ये चीज करना आसान है और सर्वोत्कृष्टत्व और सबसे अच्छा भी, ये आपने कहा, ये दोनों होते हुए भी देवी कुतो अत्र न प्रवर्तन्ते, इसमें इस ज्ञान प्राप्ति के लिए संसार के सभी लोग प्रवर्तित क्यों नहीं होता, तो होना चाहिए, यहाँ पे होता क्यों नहीं है। तथा च न को अपी संसारी शैल, यदि ऐसा होगा ना अर्जुन, तब तो संसारी कोई नहीं रह जाएगा, तो संसार कैसे चलेगा। तथा च न को अपी संसारी शैल इत्तत आह, इसके उत्तर में क्या कहा था, अब देखिए श्लोक में आइए आगे। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मशास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, ये संबोधन है अस्य धर्मस्य, ये जो हमने बोला इस धर्म का, धारणात धर्म, जो आपको धारण करके रखते हैं, ज्ञान जो सरसिष्ट किसी भी व्यवहार के लिए, विज्ञानम यज्ञम तमते, किसी भी व्यवहार के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान से संसार चलते हैं। इस धर्म का अब आत्मज्ञान, अश्रद्धाधाना पुरुषा, इसमें मतलब श्रद्धा नहीं रखने वाले पुरुष, माम अप्राप्य, इस मुझको अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त करके, मृत्यु संसार वर्तमने निवर्तन्ते, मृत्यु रूपी संसार मार्ग में बार 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 घूमते रहते हैं, निवर्तन्ते घूमते भ्रमण करते रहते हैं। हे परंतप, है ये शत्रु को, परंतप मत शत्रु को मारने वाला, दबाने वाला, ये कोई बाहरी शत्रु नहीं है, तुम्हारी अंदर ही शत्रु है। अर्जुन को भगवान के प्रति यथेष्ट श्रद्धा था, परंतु सामान्य व्यक्ति में क्या होता है, इतना श्रद्धा नहीं होता है, क्या मालूम होगा कि नहीं। आया था ना कि अज्ञश्च अश्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति, तीन प्रकार की व्यक्ति जो संसार में कभी जीवन में सफलता नहीं लगता, इसमें एक क्या हो गया, अज्ञानी जीव, वो तो घूमता ही रहेगा, परंतु अज्ञानी जीव के लिए कभी पुण्य संचय होने पर ज्ञान मार्ग में आ सकता है, भगवान प्राप्ति में लग सकता है। दूसरा क्या होता है, अश्रद्धा धाना, आपने गया गुरु के पास, गुरु किया, परंतु आपका अनुकूल बात नहीं कहा, अथवा आपका अनुकूल नहीं हुआ, अरे ये सब पखंडी है, ये सब ऐसे ही करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, अश्रद्धा धान मतलब श्रद्धा नहीं रखते। दूसरा, फिर भी कभी हो सकता है कि मन से वो हट करके कोई समझ अथवा परीक्षा करने के बाद श्रद्धा आ सकते हैं, परंतु जो संशय आत्मा होता है, ये संशय आत्मा के लिए तो दुर्गति होते हैं। अज्ञस्य अश्रद्धा दानस्य संशय आत्मा विनश्यति नायम लोकोऽस्ति न पर न सुख संशय आत्मन, ये संशय आत्मक व्यक्ति के लिए न इस लोक में न परलोक में किसी भी प्रकार की सुख प्राप्ति नहीं होता, हर समय मन में एक शंका बनी रहती है।
वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, हमारे क्या होगा, ये सब सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, विश्वास ही नहीं होता किसी। इस प्रकार के व्यक्ति कभी इस मार्ग में आ ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे तो बोला अश्रद्धाधाना पुरुष, क्योंकि भगवान के इस वाक्य के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु वाक्य के प्रति श्रद्धा नहीं है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है। फल तो क्या होता है, वो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जो जाना, मैं जो समझा वही ठीक है, वहाँ जाके क्या होगा। इसलिए अश्रद्धाधाना पुरुषा है ना, मतलब श्रद्धा नहीं रखने वाले पुरुषगण, हे परंतप, अस्य धर्म से इस धर्म का अप्राप्त, इस धर्म के जो चीज प्राप्त होता है उसको नहीं प्राप्त करते, अप्राप्य माम, मेरे को प्राप्त नहीं करते, मृत्यु संसार वर्तमान निवर्तनते, मृत्यु रूपी संसार मार्ग में बार बार घूमते रहते हैं, बार बार घूमते रहते हैं। अब देखिए इसका अर्थ करते हैं मधुसूदन सरस्वती, अस्य आत्मज्ञानाख्यस्य धर्मस्य, है ना, ये आत्म, अभी तक तो धर्म हम नहीं जान सोच रहते थे कि प्रवृत्ति लक्षण चोदना लक्षण धर्म, पूर्व मीमांसा दर्शन है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये पहला प्रतिज्ञा करते हैं धर्म है। कि धर्म किसको बोलते हैं कि अचोदना लक्षण धर्म, शास्त्र के द्वारा विधान किया गया है जिस कर्म को, उसको धर्म कहा जाता है, उसको धर्माचरण कहा जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं ये आत्मज्ञान को भी शास्त्र ने विधान किया है ना, इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अस्य आत्मज्ञान आख्यस्य धर्म से, ये जो आत्मज्ञान नामक जो धर्म है, स्वरूपे साधने फले च, इसका स्वरूप, इसका साधन और इसका फल शास्त्र प्रतिपादिते अपि, ठीक है ना, ध्यान रखना, इस ज्ञान का स्वरूप भी शास्त्र ने प्रतिपादन करके दिखाया, ज्ञान का साधन भी शास्त्र ने प्रतिपादन करके दिखाया, इसका फल भी शास्त्र ने कहा। ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्वरूप एकत्व बोध, एक निष्ठ। ज्ञान का साधन क्या है, भेद, मतलब सारा कर्म और जो उपासना आदि भेद बुद्धि करके जिसको करते हैं उसको छोड़ना, अथवा श्रवण मनन इति दर्शन। इसका फल क्या है, निरतिशय नित्य आनंद की प्राप्ति, स्वरूप के बोध। ये किसने कहा, भगवान शंकराचार्य ने नहीं कहा, उपनिषद में कहा, शास्त्र वाक्य है, वेद वाक्य है, तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत तरति शोकम आत्मविद तस्य तापदेव चिरम जावत न विमोक्ष अतो संपत्ति। इस प्रकार फल कथन हमको दिखाई देता है हर जगह पे, इसलिए बोलते हैं ये सब जो है स्वरूपे साधने फले च, उसके स्वरूप में, उसके साधन में, फल में च, शास्त्र प्रतिपादित अपि, उसको शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन करने पर भी अश्रद्धाधाना, वेद को नहीं मानते हैं, है ना, ईश्वर के विश्वास नहीं है। इस प्रकार कई व्यक्ति हैं, कई आप, ये तो मतलब दुर्भाग्य के वर्तमान समाज की, क्योंकि जब से गुरुकुल सिस्टम बंद हो गया तब तो शास्त्रीय अध्ययन आदि बंद ही हो गया, इसलिए ये वेद विरोधित्व हेतु दर्शन दूषित अंतकरणतया, वेद के विरोधित्व है ना, वेद ने जो कहा सही नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, वेद ने जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके विभाजन किया, शूद्र को किसी कर्म का अधिकार नहीं दिया, ये सब सारा वेद निंदा करेंगे वहाँ पे, तो ये वेद ने ये कहा, वेद ने किसी को निंदा नहीं की, वेद ने सभी के अपने योग्यता के अनुसार कर्म और कर्म के फल दिखाया, और जो जितना जिसके सामर्थ्य है तत् अनुकूल उसका कर्म का विधान किया और उसके तत् अनुकूल फल का भी विधान किया। एक ब्राह्मण को मंदिर में जा करके जल चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, एक शूद्र को ऊपर के दूर से मंदिर की चूड़ा के दर्शन को उतना फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र ने विधान किया। तो इसीलिए किसी के प्रति अन्याय अविचार नहीं किया। तो यहाँ पे वेद विरोधित हेतु दर्शन, वेद की विरोधी, वेद को विरोध करने के लिए जो कारण है उस कारण को ढूंढ ढूंढ के निकालेगा। वेद विरोध हेतु दर्शन दूषित अंतकरण, उसका अंदर अपना अंतकरण दूषित है। भगवान जीवित काल में भगवान श्री कृष्ण में दोष देखते थे, ये इसके ये है, ये ऐसा है, वो ऐसे दोष, जरा संदेश शुपाल आदि उसमें, मतलब निर्दुष्ट में दोष देखने, असूया बोलते हैं, असूया बोलते हैं। तो इस प्रकार दूषित अंतकरण होने के कारण वेद विरोधित तो हेतु दर्शन दूषित अंतकरणतया, इस प्रकार दूषित अंतकरण होने के कारण प्रामाण्यम अमन्यमाना, वैदिक वाक्य के प्रामाण्यता को नहीं मानते हुए, है ना, प्रामाण्यम अमन्यमाना, इसके प्रामाणिकता को मान्यता नहीं देते हुए, क्यों नहीं होता है, क्योंकि अनेक जन्मांतर की पाप इकट्ठा हुआ है, इसलिए भगवान की तरफ मन आने नहीं देता, शास्त्रीय कर्म करने नहीं देता, कोई करते हैं तो उसको निंदा करना, ये क्या है, हमारी जन्मांतरीय पाप हमको इस समय अभिव्यक्त होकर के फल दे रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि पाप कारिण
असुर संपदम आरूढ़ा, आसुरिक संपद के ऊपर आरूढ़ हो करके वो लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। स्वमति कल्पितेन उपायेन, अपने बुद्धि में जो आता है कोई कल्पित उपाय के द्वारा, स्वमति कल्पितेन उपायेन, अपनी बुद्धि से कल्पित जो भी कोई उपाय के द्वारा, कथनचित जतमान अपि, किसी प्रकार से प्रयास करते हुए भी शास्त्र विहित उपाय अभावात, क्योंकि वो शास्त्र विहित उपाय को अवलंबन नहीं करने के कारण, माम अप्राप्य, मेरे को प्राप्त नहीं करते हुए, मत प्राप्ति साधनम अपि अलब्धा, भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन है वही उसके पास तक पहुंच नहीं पाता। जब तक साधन ही प्राप्त नहीं करेंगे तो आपको उपाय प्राप्त नहीं हुआ तो उपयोग कैसे पहुंचेंगे आप, उपाय तक आपने अपना ही नहीं पाए। इसलिए मत प्राप्ति साधनम अपि अलब्धा निवर्तन्ते, निवर्तन्ते मतलब निश्चयेन वर्तन्ते, निश्चित ही वापस आ जाता है, घूमते रहते हैं, को कहाँ घूमता रहता है वो, बोलते को कहाँ, मृत्यु युक्ते संसार वर्तमानी, मृत्यु से जुड़ा हुआ जो संसार मार्ग है इसी के अंदर घूमता रहता है। दंद्रम्य माना पर्यंती मूढ़ा, अंधे नैव निहमाना यथ अंधा, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, वयम धीरा पंडितम मन्न माना, दंद्रम्य माना पर्यंती मूढ़ा, अंधे नैव निहमाना यथ अंधा। ये हमारी श्लोक नहीं है, भाष्यकार के लिखा हुआ नहीं है, उपनिषद की मुंडक उपनिषद के श्लोक है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, वयम धीरा पंडितम मन्नमाना, हम तो पंडित है धीर है, दंद्रम्य माना पर्यंती मूढ़ा, कुछ शिव गति को बार बार प्राप्त करती है ये मूढ़ व्यक्ति यहाँ पे घूमते रहते हैं। अंधे नैव नियमाना जथा अंधा, एक अंधा जैसा दूसरे को अंधे को मार दिखा के ले जाते हैं, दोनों ही गड्ढे में गिरते, ये ऐसा है, उपनिषद का श्लोक है ये। मृत्यु युक्त संसार वर्तमानी, सर्वदा जनन मरण प्रबंधेन, हमेशा जन्म और मृत्यु रूपी एक प्रवाह के द्वारा, नारक तीर्थ आदि योनिष्वेव, नरक संबंधित अथवा तीर्थ तीर्थजनि है, नारक के जनि अथवा पशु जनि, निम्न जनियों में जो नारक तीर्थ आदि से थोड़ा और भी कुछ जनि जो हो सकता है, योनिष्वेव भ्रमंती, अर्थ उसी जनि में ही भ्रमण करते रहते हैं। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान, ठीक है तुम्हें मंदिर जाना अभिष्ट नहीं है, भगवान की चिंतन करना इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, पेड़ पौधा होके खड़े हो जाओ अथवा पशु पक्षी की तरह घूमते रहो, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, मंदिर जाना पूजा करना भगवत चिंतन करना नित्य कर ये नहीं कर तो अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं अगला जन्म ऐसा मिलेगा, ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा, भगवान ने मृत्यु संसार वर्तन इस प्रकार से ठीक है। इस प्रकार से तीन श्लोक किया, तीन श्लोक में दो श्लोक की ज्ञान की स्तुति और एक श्लोक के द्वारा इसका एक मत अन्वय करके ज्ञान की स्तुति और व्यतिरिक्त दृष्टांत दिया, अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान का, ये समझाने के बाद अब वास्तविक ज्ञान क्या वस्तु है उसके बारे में कथन करना चाहते हैं, परंतु ठीक सारे चल बच रहा है तो छोड़ देते हैं इसको, ठीक कल देखेंगे इसको, क्योंकि आज सोमवार भी है ना, थोड़ा जल्दी भी सोमवार है ना, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखात् अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो नारायण।